PUBG देखते ही आ गए आप। Well, इस वीडियो पे आके आपने बहुत सही किया। So welcome to Cashify presents Hello Hacks, एक और नया एपिसोड for all the PUBG lovers। और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे वो 10 PUBG मोबाइल ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आ सकते हैं, जो आपके गेम को और मसालेदार और मजेदार और थ्रिलिंग बना देंगे। आप करोगे काफी सारे किल्स विद योर स्किल्स। सो लेट्स बिगिन द शो। वेल, सबसे पहला ट्रिक है वेट बिफोर रिवाइविंग। इस ट्रिक में अगर आप या आपका टीममेट नॉक हो जाता है तो आपको उसको डायरेक्ट रिवाइव नहीं देना है, पहले उनको देखना है जिन्होंने आपके टीममेट को नॉक किया है, क्योंकि हो सकता है वो आपकी टीम को अटैक करने आ रहे हो। अगर वो दूर है तभी आप अपने टीममेट को रिवाइव दो, और रिवाइव देने से पहले एक बारी देख लो कोई एनिमी है तो नहीं आसपास। नेक्स्ट ट्रिक है ऑलवेज चेंज योर पोजीशन। ये बहुत अच्छी ट्रिक है क्योंकि इस ट्रिक से आप किसी भी दूसरे प्लेयर को चकमा दे सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको गोली कहां से पड़ रही है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको अपनी पोजीशन हर बार चेंज करनी है जिससे आपका एनिमी आपको स्पॉट ना कर पाए और आप अपने एनिमी को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शूट कर पाए। अगला ट्रिक क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। इस ट्रिक को एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस हेयर होता क्या है। क्रॉस हेयर वो होता है जो आपकी स्क्रीन के बीचों बीच होता है, चार लाइन और एक डॉट। इस ट्रिक में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्रॉस हेयर एकदम एनिमी को पॉइंट करता हुआ एकदम मार्क में होना चाहिए, चाहे आप पास जाके फाइट कर रहे हो या फिर आप दूर से लड़ रहे हो। अगर आपका क्रॉस हेयर सही प्लेसमेंट पे है तो आप किसी भी एनिमी को इजीली मार सकते हो। अगला ट्रिक कुकिंग नेड। इस ट्रिक में आप जब भी नेड का यूज करें एनिमी के लिए तो नेड को फेंकने से पहले अपने हाथ में पकड़ के रखें, क्योंकि नेड ब्लास्ट होने में 5 से 7 सेकंड्स लेता है और इतने में आपके एनिमी को पता चल जाता है कि नेड आने वाला है और वो इधर उधर भाग के नेड से बच सकते हैं। इसीलिए नेड फेंकने से पहले हमेशा उसको अपने हाथ में थोड़ा होल्ड करके रखो, जैसे ही 3 सेकंड्स बचे आप नेड को एनिमी के ऊपर फेंक दें। अगला ट्रिक थिंक बिफोर रीलोड। इस ट्रिक में आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि गन को रीलोड करने से पहले देख लें आपके आसपास एनिमीज तो नहीं है। अगर कोई एनिमी आसपास है तो गन को तब रीलोड करें जब आप किसी चीज के कवर में हो, वरना आप गोलियां भरते रह जाओगे और कोई आप में गोलियां भरतेगा। नेक्स्ट ट्रिक है नेड बेट। बोले तो हमको यहाँ पे चारा डाल के थोड़ा सा चकमा देना है। ये ट्रिक बहुत अच्छी और फायदेमंद ट्रिक है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी PUBG मोबाइल गेम खेलते हैं वो ईयरफोन्स या हेडफोन्स जरूर यूज करते हैं ताकि उनको गेम में होने वाली हर एक चीज का साउंड सुनाई दे, और इस चीज का आप फायदा उठा सकते हो। इसमें आपको हमेशा ऐसा करना है कि जब भी आप फाइट लेने जाओ तो एक नेड हाथ में रख लो और उसको ओपन करो एंड फटाफट से कैंसिल कर दो। इससे होगा ये कि आपके एनिमी को नेड के ओपन होने की आवाज आ जाएगी और उन्हें लगेगा कि आप के ऊपर नेड फेंकने वाले हैं, तो वो इधर उधर भागने लगेंगे, तब आप उनको इजीली मार सकते हो, वो भी चुन चुन के। अगली ट्रिक है ऑलवेज टेक हाई ग्राउंड। इस ट्रिक में आप कोशिश करें कि हमेशा फाइट हाई ग्राउंड पे लें, क्योंकि ऊपर से नीचे फाइट लेना आसान होता है और नीचे से ऊपर शूट करना थोड़ा सा मुश्किल, और हाइट से आप एनिमीज को इजीली स्पॉट भी कर सकते हैं। अगला ट्रिक डोंट फोकस ऑन फिनिशिंग। ये ट्रिक स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए है जो सोचते हैं कि हमने एनिमी को नॉक कर दिया और उसको पूरा फिनिश करके अपना किल सिक्योर कर लेते हैं, जबकि किसी भी प्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको फिनिश करने की सोचोगे उसके टीममेट्स आपको आके मार सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने एनिमी को नॉक करने के बाद पहले ये देख लें कि उसके साथ और टीममेट्स तो नहीं है, और अगर हैं तो आप कवर में छुप जाएं, क्योंकि उसके टीममेट्स उसको बचाने जरूर आएंगे, और नहीं भी आए तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही मर जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक अनफॉलो योर टीममेट। ये एक सिंपल सी ट्रिक है। आप हमेशा लैंडिंग करते वक्त अपने टीममेट को अनफॉलो कर दें, क्योंकि आपने जिसको भी फॉलो किया होगा वो डायरेक्ट गन के ऊपर कूदेगा और आपको गन मिलने के चांसेस हैं बहुत ही कम, और अगर आपका एनिमी भी आपके साथ लैंड करता है तो आप विदाउट गन कुछ कर ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट ट्रिक है एडवांटेज ऑफ स्मोक ग्रेनेड। ये ट्रिक उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि स्मोक ग्रेनेड का कोई फायदा नहीं होता और वो फालतू का स्पेस लेता है उनके बैकपैक में, और उनका ये सोचना एकदम गलत है, क्योंकि स्मोक ग्रेनेड के काफी सारे फायदे हैं। जैसे कि आपका प्लेयर नॉक हो गया तो आप उस पे स्मोक करके उसको बचा सकते हैं, और अगर आपको किसी भी प्लेयर का आपके एनिमी का डेथ क्रेट को लूटना है तो उस पे स्मोक का यूज करें ताकि आपका एनिमी आपको स्पॉट ना कर पाए। आई होप आपको जितने भी हैक्स हमने बताए पसंद आए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो क्या पसंद आया है, कैसे आपको हेल्प मिली है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।